मनोहर लाल खट्टर ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर नशा मुक्त भारत रथ यात्रा को संत कबीर कुटीर चंडीगढ़ से हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संत कबीर कुटीर चंडीगढ़ से विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर नशा मुक्त भारत रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे को खत्म करने के लिए सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं का भी बड़ा योगदान होता है और उन्हें आगे बढ़कर काम करना चाहिए। इसी कड़ी में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट भिवानी के द्वारा हरियाणा प्रदेश में नशे जैसी बुराई को खत्म करने के लिए और पानी एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन संदेह रथ यात्रा निकाली जा रही है। ये लोगों को जागरूक करने में सफल होगी। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र से ये यात्रा गुजरेगी वहां पर सकारात्मक विचार आएंगे और लोग इस नशे जैसी बुराई से सचेत होकर दूर रहेंगे। लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। साथ ही कहा कि आज नशे जैसी बुराई को खत्म करने के लिए सभी को इस मुहिम में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज युवा पीढ़ी नशे जैसी बुराई में संलिप्त होकर के पतन की ओर जा रही है। यदि हमें समाज और राष्ट्र को मजबूत करना है तो इस प्रकार की बुराइयों से युवाओं को बचाना होगा। स्वामी चंद्रदास जी महाराज के नेतृत्व में जो आज ये यात्रा निकाली गई है, नशा भगाओ पानी बचाओ, ये जो अभियान इस यात्रा के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है, बहुत सराहनीय काम है और आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता भी है, क्योंकि पर्यावरण के नाते से पानी का बचाना बहुत ज़रूरी है और युवाओं का भविष्य, ये कैसे अच्छा हो, कैसे सुंदर बने। आखिर आज का युवा हमारा देश का कर्णधार है, भविष्य की सारी बातें आज के युवाओं पर टिकी हैं, तो युवाओं को नशे से बचाना ये बहुत सराहनीय और पुण्य का काम है। मैं इसके लिए सभी यात्रा के जो भी साथ चलने वाले जितने भी स्वयंसेवक हैं और सब जो मैनेज कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई। सीएम खट्टर ने कहा कि हमें प्रदेश की युवा पीढ़ी को नशे जैसी बुराई से दूर रखने के साथ साथ नशे से होने वाले खतरों के बारे में बताना और जागरूक करना बहुत जरूरी है, ताकि लोग खुद तो इससे बचे ही साथ ही दूसरे लोगों को भी इसके सेवन से रोक दें। टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।